नहीं बन पाई है। बड़ी खबर से हम शुरुआत करते हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गुर्जर प्रतिनिधिमंडल को जयपुर आने का न्योता दिया था, लेकिन गुर्जर नेता विजय बैसला ने प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार किया। मुख्यमंत्री को इसे लेकर अवगत कराएंगे, कह रहा था विश्वेंद्र सिंह का। विस्तार से मुख्यमंत्री से इसे लेकर बात होगी, जिसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद दोबारा वार्ता की टेबल पर आएंगे। कहना यही था कर्नल बैसला का, जो भी बात होगी सभी के सामने आंदोलन स्थल पर ही होगी। समाज को पिछले 14 सालों से न्याय का इंतजार है, कर्नल बैसला का ये कहना था। मुख्यमंत्री को अब इस पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा। विस्तार से मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और इसके बाद ही जो भी निर्णय होगा जल्द से जल्द वार्ता की टेबल पर वापस आएंगे। हालांकि कहना उनका यही था कि अब ट्रैक पर वार्ता पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए जयपुर आकर कोई प्रतिनिधिमंडल आ जाए और वार्ता की जा सकती है, लेकिन इससे साफ इनकार कर दिया कर्नल बैसला ने। मलारना डूंगर में धरना स्थल पर बोले गुर्जर नेताओं से वार्ता के लिए मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा। आईएएस के नीरज के पवार और अन्य अधिकारी आंदोलन स्थल पर भी पहुंचे। धरना स्थल पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गुर्जरों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी समस्या जानने के लिए मुख्यमंत्री ने मुझे भेजा है, आपकी जो समस्या है वो बताएं, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। विश्वेंद्र सिंह ने गुर्जर प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया। उन्होंने कहा कि भीड़ में बात नहीं हो सकती है। इसके जवाब में कर्नल बैसला ने कहा, विश्वेंद्र सिंह जी आप हमारे बीच आए, इससे हमें खुशी है, लेकिन बैसला ने जयपुर में बातचीत का न्योता ठुकराया है। उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करने कहीं नहीं जाऊंगा, जो वार्ता होगी, जो बात होगी वो यहीं पर होगी, इसी जगह होगी। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब बता दें आपको, जो पहली वार्ता सरकार की तरफ से हुई वो वार्ता विफल रही। मंत्री विश्वेंद्र सिंह वार्ता के लिए पहुंचे, उनके साथ नीरज के पवन थे, दोनों ने बातचीत भी की। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आपसे नहीं, जब जब यहां पर आंदोलन के लिए बैठे हैं, जब जब गुर्जर आंदोलन हुआ है, उनके बीच में पहुंचता रहा हूं, और इस लिहाज से अब जबकि सरकार में है, वार्ता करने के लिए आए हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन क्योंकि ट्रैक पर बातचीत नहीं हो पाती है, इसलिए उन्होंने आमंत्रित किया कि जयपुर आए प्रतिनिधिमंडल गुर्जरों का, जिसके बाद हम बातचीत कर सके, वार्ता कर सके और कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन कर्नल बैसला ने इसे लेकर साफ इनकार कर दिया। कहना यही था कि हमें इंसाफ का इंतजार है, 14 साल से यही हो रहा है, बार बार वार्ता होती है, विफल होती है, आंदोलन किया जाता है, इसके बाद आंदोलन वापस लिया जाता है, आश्वासन बस दिया जाता है और हाथ में सिर्फ आश्वासन रह जाता है, और इसलिए इस बार हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो बात होगी, जो वार्ता होगी वो यहीं पर होगी जहां हमारा आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा कि कोई उनके पास ये कोई खबर थी कि 10 प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं कि हमारा कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं है और ना ही कोई प्रतिनिधि मंडल कहीं जाएगा सरकार के पास। ये बात बहुत क्लैरिटी से मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई नहीं है और कोई नहीं जाएगा। हम कहीं किसी और जगह बातचीत नहीं करेंगे। उनका ये सुझाव था कि हम कहीं और जाकर के 10 लोगों 5 लोगों के साथ बैठ के बात कर लें। ऐसा नहीं होगा, जो भी बात होगी समाज के बीच यही पटरियों पर होगी, सबके सामने, यही बात। हम तो यहीं रहेंगे, यहीं अपना धरना जारी रखेंगे, यहीं हम जो कोई आए वो यहाँ आ जाए और हमारे लिए 5% का ऑर्डर ले आए। MBC की समाज से मेरी अपील है कि हमारा आंदोलन जारी है, कोई समझौता नहीं हुआ है, आंदोलन को जारी रखें। तो आंदोलन को हम जारी रखेंगे जब तक कोई फैसला नहीं होता। इस बार आर पार की लड़ाई है गुर्जर आंदोलन को लेकर, गुर्जर आरक्षण को लेकर, और ये आरक्षण इसलिए भी क्योंकि पिछले 14 साल से लगातार सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, आश्वासन बस रह जाता है हाथ में, लेकिन इस बार हम अपना हक लेकर रहेंगे, ये गुर्जर नेताओं का कहना है, कर्नल बैसला का कहना है, और इसीलिए सीधे तौर पर इनकार कर दिया, ठुकरा दिया इस आमंत्रण को कि जयपुर आकर वार्ता हो। लेकिन इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। निवेदन है, आप शांति पूर्वक क्या कर रहे हैं? हम आने को तैयार है, अरे मेरे खंभा आ रहे हैं, मीटिंग रखियो जहाँ आप चाहो, और देखो तसल्ली पूर्वक बात हुए वहाँ में अलग ही मजा है, मजा नहीं आ रहा है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, सुनो तो, आप यहाँ अपन बैठ के बात करें, लेकिन जब तक लिखा आज मैं मुख्यमंत्री से पूरी बात करके और जब तक जवाब देके और एक एक बिंदु वाइज बिंदु कि कितने टाइम में कौन सी चीज होगी और किस तरीके से होगी, ये हमको बैठना बहुत जरूरी है।
तो गुर्जर आरक्षण मामला जिस तरह से अब गति भी पकड़ रहा है, आज इस आंदोलन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह को यहां पर भेजा गया। नीरज के पवन उनके साथ थे। हालांकि यहां पर कोशिश यही की गई कि कुछ बात बन जाए, लेकिन अगर पहली वार्ता की बात की जाए तो विफल रही वार्ता और दोबारा अब टेबल पर आना होगा इसे समझने के लिए, इन्हें मनाने के लिए। और चलिए इस दौरान नीरज के पवन भी उनके साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहा नीरज के पवन ने वो भी सुनते हैं। राज्य सरकार की गंभीरता से आप भली भांति अवगत हो गए होंगे कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर को उन्होंने यहाँ पर भेजा है और एक आईएएस अधिकारी को यहाँ भेजा है, पटरी पर आकर के बात कर रहे हैं। समस्त गुर्जर समाज को बंधु मानते हुए कि हमारे समाज के कुछ लोग किसी विषय से उद्वेलित हैं तो आकर के उनसे बात की है और उन्होंने एक लाइन में यही कहा है कि उनको जो बिंदु है उसके समाधान के लिए आप किस तरह से विधिक समाधान निकाल सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से जो सकारात्मक पहल की गई है उस पहल के उपरांत गुर्जर बंधु भी इस विषय को समझते हैं कि इसका समाधान लीगल तरीके से लिख करके विधिक प्रावधानों को समझते हुए ताकि आगे नहीं अटके उसके लिए प्रयास। तो चलिए लीगल एस्पेक्ट्स क्या बनते हैं वो भी समझना होगा, एक्सपर्ट्स के साथ भी बैठेंगे और बात करने के बाद ही जो रास्ता निकलेगा उसके बाद दोबारा टेबल पर आएंगे, नीरज के पवन का ये कहना था। और चलिए मलाना डूंगर जहां पर यह आंदोलन जारी है, जहां ट्रैक पर मौजूद हैं सभी गुर्जर समाज के लोग, गुर्जर नेता, वहां पर हमारे सहयोगी मनोज भी मौजूद है, उनसे चलिए बात करते हैं। मनोज, मांग इनकी एक ही है और उसी एक मांग को लेकर अड़े हुए, लेकिन सीधे तौर पर इनकार कर दिया जयपुर जाने को लेकर और ऐसे कह सकते हैं कि पहली जो वार्ता हुई है वो विफल रही। जी श्वेता, बिल्कुल कह सकते हैं वार्ता विफल नहीं भी रही है और विफल भी रही है कि ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि आज वार्ता रेलवे ट्रैक पर हो जाएगी। गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों की एक ही मांग थी कि हमारी जो वार्ता है वो रेलवे ट्रैक पर ही हो, लेकिन यहाँ की स्थितियां ऐसी नहीं है कि जो यहाँ पर वार्ता हो सके। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी आए थे और उन्होंने यहाँ वार्ता के लिए अपना ये प्रस्ताव रखा था सरकार की ओर से कि रेलवे ट्रैक पर जो हालात है यहाँ पर जो वार्ता संभव नहीं है, इसलिए यही किसी स्थान पर जयपुर ही नहीं बल्कि आसपास के किसी भी घर में बैठकर अपन वार्ता कर सकते हैं, जिसको लेकर गुर्जर समाज के जो लोग हैं विचार कर रहे हैं। हो सकता है जिस तरह से मंत्री विश्वेंद्र सिंह से हमारी बात हो पाई थी, उनका कहना था कि कल जो वार्ता है वो हो सकती है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सवाई माधोपुर, गंगापुर या यहाँ देवनारायण जो मंदिर है वहां पर वार्ता हो सकती है और करीब 20 या 21 सदस्य जो कमेटी है गुर्जर समाज की जो कि कर्नल प्रोड़ी सिंह बैसला द्वारा बनाई गई है और उसमें कुछ जो सदस्यों की संख्या है घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। हो सकता है कि वो सदस्यों की संख्या 30 से 31 हो जाए और वार्ता लगभग कल जो दूसरा दौर है वार्ता का वो होना लगभग संभव माना जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक कदम यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से बढ़ाया गया है, मंत्री और अधिकारियों को रेलवे ट्रैक पर भेजा गया है क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग आ रही थी अब तक जो वार्ता हुई है वो जयपुर में हुई है और जयपुर में होने के बाद जो रेलवे ट्रैक पर कभी भी कोई भी इनसे मिलने और नहीं आया, लेकिन इस बार इनकी मांग थी तो राज्य सरकार की ओर से मंत्री विश्वेंद्र सिंह स्वयं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बिल्कुल मनोज प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे, ट्रैक पर बुलाया तो ट्रैक पर सरकार पहुंच गई, बात अपनी रखी गई, लेकिन हालांकि अब मान नहीं रहे गुर्जर। तो अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कल दोबारा वार्ता हो सकती है और वैसे भी जो भी उसके लीगल पहलू होंगे उसे भी समझेंगे, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे जिस तरह से विश्वेंद्र सिंह ने कहा और उसके बाद फिर वापस वार्ता के लिए आएंगे। मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। दौसा में गुर्जर समाज के पंच पटेलों ने हाईवे 21 पर जाम लगा दिया है और दो दिन के लिए ये जाम यहां पर टाल दिया गया है। जो जाम यहां पर लगाया जाना था, पंच पटेलों ने दो दिन तक शादी समारोह और जाम को देखते हुए, लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए दो दिन का सरकार को समय दिया। गुर्जर समाज के पंच पटेलों ने कहा कि सरकार ने दो दिन में कोई निर्णय नहीं किया तो 11 फरवरी को 11 बजे हाईवे 21 को जाम कर देंगे। दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक को भी रोकने की चेतावनी दी है। हालांकि युवाओं का एक धड़ा आज ही हाईवे पर जाम के लिए अड़ा रहा, जिस पर पंच पटेलों ने समझाया और सर्व समाज के आयोजनों में होने वाली परेशानी का हवाला दिया।
गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी गुर्जरों के लिए पूरी सहानुभूति है, वे सरकार से जो चाहते हैं आकर बताएं, हम हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके आरक्षण की मांग का संबंध केंद्र सरकार से है। अतिरिक्त 5% आरक्षण की मांग पर कानून बनता है और इसी के अभाव में बार बार फिर ये कानून रिजेक्ट हो जाता है। बैंसला और उनके साथियों को पीएम और गृह मंत्री को इस बारे में ज्ञापन देने चाहिए। गुर्जर आंदोलन के बारे में मैं अपील करना चाहूंगा, उनको रेल पटरियों पर नहीं बैठना चाहिए। पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तब भी हमने उनका पूरा ख्याल रखा, उनकी मांगे हमने मानी, कुछ मांगे जूडिशरी में रुक गई, उसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। पर बाकी जो कल बैठला जी ने जो कुछ भी हमें सुझाव दिए हमने उनको पूरा किया और वो तो रिकॉर्ड के अंदर है। बैठला जी खुद समझते हैं कि राज्य सरकार को कमी नहीं रखी थी। इस बार भी अब जो मांगे उनकी हैं उनका ताल्लुक केंद्र से हो सकता है। संविधान संशोधन के बगैर वहाँ कुछ हो नहीं सकता। जैसे अभी 10% EBC का हुआ है, उस प्रकार कोई रास्ता निकलेगा तब जाके इनकी मांग पूरी होगी। इनकी मांग एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की जो 5% की है, बार बार असेंबली में कानून बनता है, हम लोग लागू करते हैं और हाईकोर्ट में वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी भी जो उनकी मांग है वो मांग तब पूरी होगी तब संविधान में संशोधन होगा। जब ये बात हम जानते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि बैठला जी को और उनके साथियों को चाहिए कि वो जाके ज्ञापन दे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी भारत सरकार को ज्ञापन दे, अपनी बात को कहे, अपनी भावना बताए उनको, बजाय इसके कि वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो वो उचित नहीं कहा जा सकता है। इधर गुर्जर आरक्षण के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सीएम ने कल वक्तव्य दिया कि केंद्र सरकार का विषय है। दुर्भाग्य है कि एक महीने पहले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था, सरकार ने आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया। अल्टीमेटम के बाद भी गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को बात करने के लिए भी नहीं बुलाया। बाद में 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया। गुर्जर आरक्षण के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सीएम ने कल वक्तव्य दिया कि केंद्र सरकार का विषय है। दुर्भाग्य है कि एक महीने पहले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था, सरकार ने आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया। अल्टीमेटम के बाद भी गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को बात करने के लिए भी नहीं बुलाया। बाद में 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया और पिछली बार अशोक गहलोत सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने विलंब करने का काम किया। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में गुर्जर समाज से वादा किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार पर हर मामले को डाला जा रहा है। जब धरना और प्रदर्शन का प्रवेश रोकने का कार्यक्रम शुरू हो गया तो एक 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति की गठन किया गया और उसमें भी देखने में आता है कि जिस समाज के संबंध में बात की जा रही है उस समाज का उस समिति में एक भी प्रतिनिधि नहीं है, जबकि राज्य मंत्रिमंडल में 2 मंत्री गुर्जर समाज से आते हैं, उनमें से किसी को भी शामिल नहीं करना। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो इस विषय के ऊपर लगातार हमने चर्चा करते हुए 2008 में गुर्जर सहित 5 जातियों के लिए SBC कैटेगरी में रिजर्वेशन का बिल हम लेकर के विधानसभा में लेकर के आए। वक्त हो गया एक छोटे से।